जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वेलकम, जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय। आज विशेष लाइव आए साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, और किसी भाई ने अगर ऐसे बहन बेटियों के साथ करते हैं तो वो भी बहुत गलत है। अगर किसी को इनसे आपत्ति होती तो इनके घर आके कह देते या कोई कार्रवाई नोटिस वगैरह सब दे देते, लेकिन इस तरह से किसी बहन बेटी की इज्जत खराब करना बहुत गलत बात है। और इनके लिए हमने मुकदमा भी दर्ज करवाया है, और कल सुबह कमिश्नर भी पेश करेंगे, और इनके साथ पूरा शिवसेना परिवार है। मैं सुनील बिश्नोई संगठन प्रमुख, उप जिला प्रमुख कमलेश जी बिश्नोई, महिला प्रमुख कोमल जी बिश्नोई, महिला सचिव शारदा बिश्नोई, और युवा सेना प्रमुख भाई रवि शर्मा, और जिला सचिव राजू पटेल सब है। और जिस किसी ने भी हरकत करी है वो कान खोल के सुन ले, उसको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, और विशेष तौर से शिवसेना परिवार अपने स्तर पर उसको ढूंढ के उसकी ऐसी हालत करेंगे कि वो अपनी जिंदगी में भी अपने बीबी के साथ भी कुछ करने से भी इतराएगा। आज आपकी भी बहन बेटी होगी, हमारी भी बहन बेटी है, प्रिया भी बहन बेटी है, हमारी बहनें हैं, तो इनके साथ गलत हुआ है, ऐसा गलत कल आपकी बहनों के साथ भी हो जाएगा, आप क्या करोगे? तो इसलिए विशेष ये मेरी धमकी भी मान लो, कोई भी कण भी असरत करी है भी ने इस पर स्टोर हूं, चाहे वो आकाश में सुबजिए धरती में सुबजिए कटे भी छुपे भी ने खाडे मुंह काट एडी सजा डाला कि वो जिंदगी पर याद रखेगा। इन वास्ते जो भी है अगर भी आज भी वो सामने आने प्रिया जी के पग पड़ जी है तो भी माफी मिल जाएगा, ना वो जो भी है चाहे कटे छुपजे भी नेड़ो खाडे मुंह काट ने लिया वाला मेरे मतलब अब ज्यादा कहना नहीं चाहिए। बाकी और कानून से कानून आपका काम कर रहे हैं, और कानून से कल कमिश्नर पेश करेंगे, एसपी पेश करेंगे, कलेक्टर पेश करेंगे, और कानून से भी निकालेंगे, और शिवसेना परिवार अपने स्तर पर उसको ढूंढ के निकाल लेगी। जय श्री राम। दो शब्द हमारे भाई रवि शर्मा जी कहेंगे। धन्यवाद। जो अभी सुनील जी भाई साहब हमारे साथ में है, संगठन के प्रमुख सचिव साहब हमारे कोमल जी बिश्नोई, ये अपने महिला मोर्चा के जिला प्रमुख, ये महिला मोर्चा के सचिव हमारे साथ में शारदा जी जो हमारी बहन है, और बहन जो पूजा गुप्ता ने प्रिया गुप्ता जी के साथ में जो ये भी आपने देखा है सोना बाबू के साथ में वीडियोस वायरल होने, तो उस भाई को मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी तक जो कानूनी प्रक्रिया हुई जिस वीडियो बनाने का जिसने 100 की प्लानिंग की वो बंदा अभी तक सामने नहीं आया, तो हम उसके लिए बहन प्रिया जी को साथ में लेके और कमिश्नर पेश होंगे, और इस आंदोलन को हम और आगे बढ़ाएंगे, क्यों कि इस बहन के साथ में हुआ कल और दूसरी बहन के साथ में होगा, तो उस जिसने ये वीडियो बनाया उसकी एक प्लानिंग है, चलो वो गिरफ्तार हो जाएगा पर बाहर आके क्या बोलेगा कि उसके साथ में कर दिया, तो उसको ना ऐसी कोई दूसरी घटना ना हो, ना कोई दूसरी प्रिया गुप्ता के साथ में ऐसी घटना हो, उसको बंद करने के लिए शिवसेना आवाज उठाएगी। और शिवसेना आपको मालूम है अपने स्टाइल से बात करती है, शिवसेना का नाम आने से तो सब जानते हैं कि शिवसेना क्या है, जो भी हिंदू संगठन है सभी हिंदू संगठनों का भी मालूम है, पर इस बहन की आवाज कभी कोई संगठन अभी नहीं उठाई, पर शिवसेना के पास इस बहन की आवाज आई कि आप हमारे साथ में हो, तो आज हम पूरे जिले के पदाधिकारी यहाँ बैठ कर लाइव आ रहे हैं, लाइव आने का माध्यम उस बंदे को मालूम चल जाएगा कि तूने जो क्या किया उस घटना को तूने मोड़ मोड़ कर एक बहन को मतलब बदनाम करने के लिए मानसिक प्रताड़ना के तेरी जो शरारत की गई उससे आज ये बहन कम से कम 10-15 दिन से खाना नहीं खा रही है, तो संगठन के हम सारे पदाधिकारी आए इस बहन को एक निवाला दिया और खाना खाया, और इसके कल हम कमिश्नर के साथ कमिश्नर साहब के पास पेश होंगे, और जो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर हम पूरी तहकीकात से उसका साथ देंगे और ज्ञापन देंगे, और इस घटना को जो उस बंदे ने जो पूर्ण रूप से एक सूचना के रूप से और एक अपना क्या बोलते हैं उसे
अंदर से ना सूचना को एक घृणा के भावना से उसकी निकालने के लिए इस बहन के साथ में गलत हरकत की है कि अपनी ईर्ष्या क्या निकालने के लिए, तो उस ईर्ष्या को हम खत्म करेंगे और वो बंदा आए तो अभी भी कानूनी रूप से बच जाएगा। उस बहन के इस बहन के पैर पकड़ ले कि मैंने गलती कर दी तो हम उसको माफ कर देंगे, नहीं तो उसको कानून पकड़ कर जो हरकत करेगा वो देख लेंगे। और इस घटना को हम आपको सबके सामने लेकर आएंगे और ये शिवसेना संगठन जब बोलती है तो करके दिखाती है। जय भवानी जय महाराष्ट्र। दूसरी बात है शिवसेना बोलने का मैं हमारे ज्यादा है ठीक है, और नारी शक्ति सम्मान के लिए हम अपना सर भी कटा सकते हैं भगवान और नारी शक्ति के लिए। आज इन बेटी के साथ हुआ, कल किसी और बेटी के साथ होगा और ज्यादा तो क्या कहूं मैं सुनील विश्नोई, और कोई नहीं जानता है तो मेरा बैकग्राउंड भी चेक कर ले, नहीं तो गूगल पर ही सर्च कर ले। बोलता कम हूं मारता ज्यादा हूं, इनके साथ हुआ है आकर सीधे से अपना सिलेंडर कर ले, माफी मांग ले, नहीं तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। प्रशासन से हाथ जोड़ निवेदन, और प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसके अंदर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, और हम उनके साथ है, कोई भी जरूरत है तो हम उनकी सहायता करेंगे। और कमिश्नर साहब अशोक जी गहलोत साहब से भी निवेदन है कि प्रशासन को आप फोन करके बताएं कि भाई आज उनके शहर में उनके गृह जिले में ये चीज हुई है तो बहुत ही शर्मनाक चीज है, इसके लिए प्रशासन के लिए अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई करें। जय श्री राम। जिस किसी ने भी ये गंदी हरकत की है ना तो वो बचेगा तो नहीं। बेटा तूने अपनी बहन की अपनी बहन के लिए ये चीज की है, मैं तेरी बहन लगती हूँ, समझ में आया? तू ये दिमाग से निकाल देना कि प्रिया गुप्ता तेरा पीछा छोड़ देगी। नहीं छोड़ेगी प्रिया तेरा पीछा, जब छोड़ेगी जब मर जाएगी। और प्रिया गुप्ता इस जन्म में अभी नहीं मरेगी, तेरा जो चेहरा है ना वो सबके सामने लाके फिर मरेगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। बहुत गंदी हरकत की है, बहुत गंदी हरकत। नमस्कार सभी को, मैं कोमल विश्नोई शिवसेना जिला प्रमुख, आप सबसे विनती करती हूँ कि जिसकी भी, मैं ये नहीं कहती किसने किया क्यों किया, जो भी किया है गलत किया है, आपसे इतना निवेदन करती हूँ कि जैसे आपके घर में किसी बहन के साथ ये होता तो आप क्या करते? आप वही करते जो आज हम यहाँ आके इनको बोल रहे हैं। और ये भी सही, प्रिया जी सही कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब किसी को गिराना किसी को उठाना, ये आप लोगों का काम है तो ऐसा आप पहले फाइनल कर लो कि आपको यही करना है कि हम इनको गिराएंगे। आप फाइनल बोलो फोन करके कि देखो हमने आपका ऐसा ऐसा किया है, सामने आओ, छुप के कुछ मत करो, सामने जो भी आपको करना है करिए, और जिसने किया है वो गलत किया है। मैं ये कहती हूँ जिसने किया है आजकल उसकी बहन के साथ ये हो तो वो क्या करेगा? तब वो यही सोचेगा ना कि मेरे साथ आज ऐसा हो गया है। तो इनकी हालत आज कम से कम ज्यादा नहीं तो आप मान के चलो 7 दिन या 8 दिन इनकी हालत देखी होगी कि ये कितने परेशान है। ये भी नहीं, पंकज जी भी लाइव आए, उन्होंने बताया सब चीजों के ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोगों ने, क्योंकि वो पूरा परिवार ही देखिए ना परेशान है। परेशानी ऐसी जब आती है ना कि बेटी की इज्जत हाथ में आ जाती है आदमी के, तब सारी समस्याएं सब आदमी भूल जाता है कि हुआ क्या था, और उस एक पीछे सारे इनकी बहनें कितनी परेशान है, माँ बाप इनकी बहनें इनके परिवारजन सब इतने परेशान है। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा समझो, जिस तरीके से ये अपना काम करते हैं, काम सबको करना पड़ता है, हम अपने तरीके से, जैसे मैं आज शिवसेना में हूँ, कल मेरा कोई वीडियो बना के चढ़ा दे और मेरे को गलत साबित करे तो मेरा क्या हाल होगा? मैं तो एक समाज की बेटी हूँ, अगर इतना गंदा काम अगर मेरे साथ कोई करता है तो मेरी तो पूरी इज्जत खराब हो जाती है। और इज्जत एक वही तो है जो आप समझ रहे हो कि हमने वीडियो बनाया आपके लिए मजाक होगी, लेकिन एक बेटी एक औरत और जो एक माँ होती है उसके लिए ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। और जब औरत का ऐसा होता है ना तब ये पता चलता है कि छुट जाती है हमारी। तो आप जो भी हो सामने आ जाओ कि भाई हमने किया है और हमने ये मजाक में कर लिया या किसी भी तरीके से आपकी रंजिश होगी अंदर के अंदर इसलिए कर लिया होगा, लेकिन ऐसा करना आपके लिए अच्छा नहीं है। कानून भी है, सब चीज है, हर तरीके से समझाया जा सकता है। आप आ जाओ, सरेंडर कर दो खुद को कि हमने ऐसा कर दिया, हमारी गलती हो गई। और ये प्रिया जी जो चाहते हैं वो आप इनके सामने आके आप अपना जो भी देना चाहते हो कि भाई ये हमने किया है या हमारा ऐसा हो गया है,
तो हमें माफ कर दीजिए, बस इतना ही आपसे निवेदन करती हूँ कि आपकी बहन के साथ अगर ऐसा होता तो आप क्या करते? सिर्फ इतना भी सोच लीजिए और कुछ मत सोचिए। आपके घर के अंदर अगर ऐसा होता, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माँ या रिश्तेदार किसी की वीडियो चढ़ जाता तो आप क्या करते? आप ही यही करते जो ये कर रहे हैं, तो आपने गलत किया जिसने भी किया। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत करो, और जो भी है आप अपने आप से सरेंडर कर दो कि हमने ऐसा किया है, और जो सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर कानून है हमारे पास, हर चीज है, हम कलेक्टर पेश जाएंगे, सारी चीजें करेंगे। लेकिन अगर आप अपने तरीके से आते हो तो हमारे भी ये नहीं होगा और शांति सब चीज रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। और नहीं करोगे तो तरीके तो और भी होते हैं, सीधे उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ये आप सब लोग जानते हो। तो ये करेंगे, वो करेंगे, सब करेंगे, लेकिन ऐसा करना टेढ़ी भी नहीं करा, मैं पूरा पीपो ही गर्म कर दिया जरा से। तो आप प्लीज जो भी है एक बार सिलेंडर हो जाइए, नहीं होना है तो फिर आगे जो भी होगी वो देखी जाएगी, और फिर छोड़ना तो है ही नहीं, छोड़ने की बात ही खत्म हो जाती, क्योंकि ये तो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आज की घटना दो घंटे पहले की, जालौर की एक भाजपा लेडी के पदाधिकारी के साथ ऐसा हुआ है, विमला मीणा के साथ, जिन्होंने सोशल मीडिया पे अभी अपना जो लाइव दिया है उन्होंने भी यही कहा है कि मेरा वीडियो ऐसे चढ़ा दिया किसी ने। तो ये तो हर रोज कर रहे हो आप लोग, हर रोज कर रहे हो, तो फिर ऐसा करो ना, आप अपने घर में ही ऐसे बना दो, वीडियो बना के चढ़ाओ, फिर पता लगे आपको कि क्या हुआ था। और इज्जत क्या होती है, औरत की इज्जत क्या होती है, जिस औरत ने जन्म दिया, बड़ा किया, भाई बहन सब कुछ वही होने के बावजूद आप लोग ऐसा करते हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जिसने भी चढ़ाया है उसको मैं तो कहती हूँ आओ ही मत, ढकनी बना दूंगा, मर जा वहीं पे, ताकि पता तो रहे कि तूने जो भी किया अपने आप में समाप्त कर लिया। ऐसा मत करो प्लीज, किसी भी औरत की इज्जत। और वीगो वीडियो में जिसने कोमल विश्नोई नाम की जो लेडी, मेरे नाम की जो लेडी है जो वीगो में वीडियो बनाती है, हमारे समाज के लड़कों ने उसको भी बदनाम कर दिया फेसबुक वीडियो चढ़ा के, कोमल विश्नोई ये है, कोमल विश्नोई वो, उसने भी ऐसा कुछ नहीं चढ़ाया, वो अपने वेशभूषा में वीडियो बनाती है, अपनी वेशभूषा में वीडियो बनाती है, बनाएगी इसमें क्या है, किसका शौक नहीं होता वीडियो बनाना, कि आप लोग फेसबुक पे फोटो नहीं चढ़ाते, इंस्टा पे फोटो नहीं चढ़ाते, कुछ नहीं करते, लाइव नहीं आते, डांस का लाइव नहीं दिखाते, ये तो करते हैं, जिसके मन की भावना होती है वो अपने सोशल साइट पे दिखाता है और उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं और उसको बदनाम कर देते हैं। तो ऐसा मत करो, आपसे सबसे जिसने भी किया है उससे निवेदन है, कृपया करके आप पधारिए, आप अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए, और नहीं करना है तो वो सारी चीजें भी करनी होगी हमें जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन इस वजह से करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा करने वाले ने गलत किया है, और गलत करने वाले को छोड़ते नहीं हम लोग। बस ये हमारे संगठन की अपील है सबसे, शिवसेना की, कि आप पधारिए और जो अपनी गलती है स्वीकार कर लीजिए, बस। जय श्री राम और जय भवानी। जय भवानी, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम प्रिया गुप्ता जी के पास आए हैं, ये आना हमारे लिए कोई शौक नहीं है, मजबूर होकर आए हैं, क्योंकि एक बहन बेटी की इज्जत का सवाल था। तो इनके साथ जिसने भी गलत किया है, कल हम कोर्ट जाएंगे और कमिश्नर कार्यालय, एसपी कार्यालय, मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन देंगे, क्योंकि अगर सीएम के खुद के शहर में अगर ऐसी घटना हो रही है, सीएम कुछ ध्यान नहीं दे तो फिर इस शहर का रखवाला कौन है। दोस्तों पिछले दिनों, कई दिनों से हर रोज घटनाएं हो रही है, कोई प्रशासन इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा है सिवाय लिपापोती के, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नर्तकी है, कुछ मान लो कुछ जो भी कह रहे हैं, पर नृत्य करना क्या गलत है? भगवान शिव करते थे नृत्य, कृष्ण के साथ गोपियां करती थी, इसमें गलत क्या है? नृत्य करना तो हमारी भारतीय परंपरा है, हिंदू परंपरा है। तो जो वीडियो बना है वो वैसे पहले तो प्रिया जी का है नहीं, ये बाहर की साइट है, xvideo.com है, ये पोर्न साइट है विदेशी, तो वहां से ये रिलीज हुआ है, इंडिया का ये वीडियो भी नहीं है। और कुछ लोगों ने प्रिया जी का नाम जोड़ के और सोशल मीडिया पे शेयर किया है, जिसने भी किया है उनको तो छोड़ने का कोई चांस ही नहीं है। हमारी शिवसेना की महिला मोर्चा है और शिवसेना के युवा साथी है, सभी हम कार्रवाई करेंगे, लड़का होगा तो महिला मोर्चा, लड़की होगी तो महिला मोर्चा निपटेगी, और लड़का होगा तो हम निपटने के लिए तैयार हैं। जिसने भी ये शेयर किया है वो बाहर आ जाए और प्रिया जी से माफी मांग ले, और नहीं तो कोई छूटने का चांस है नहीं। हमने हमारी मान लो हर तरह से उनको घेरने की कोशिश की है, और जल्दी वो